जब भगवान का कॉल आता है ना तो ना बाबा बजाएंगे ना दादू बजाएंगे। भगवान ने रिटायरमेंट बुलाया है इसीलिए बच्चों को हम सही गुण दे, पहले 15 साल जिससे बच्चा सही गलत बन के और उसके बाद उसको पूरी ऑटोनॉमी दे। कभी भी हम का जो गुमान है यदि हमने उस बच्चे में आने दिया तो बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। क्या जरूरत है बच्चे को 15 लाख की बाइक की? स्कूल में बच्चे बाइक में जाते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, उसको हेलीकॉप्टर समझते हैं। वो हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर की डॉक्टर ही खरीदते खुद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें कौन रोकेगा पुलिस वाला? पापा का नाम बता देगा। जब भगवान का कॉल आता है ना तो ना पापा बजाएंगे ना दादू बजाएंगे, तो ना ऊपर पुलिस मिल जाएगी। ऊपर वाले से डरे, वरना जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो डरने के लिए कुछ बचेगा नहीं। कुशल एजुकेशन की बात है, आदमी एक समय के बाद सबको फील होता है, कोरोना ने सबको सिखा दिया कि जितने पैसे वाले थे, जितने गरीब थे, सब उसी हॉस्पिटल में थे। किसी को डॉक्टर ने नहीं बचाया, किसी को ऑक्सीजन ने नहीं बचाया, जिसको बचाना था भगवान ने बचाया और जिसको जाना था वो चला गया। मुझे याद है 2000 पुरानी बातों से नहीं जाना चाहता। मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग आज बहुत ही अच्छा दिन है, 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे यही शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ कि एक लड़की को सारे अधिकार है, लड़कियों के जो गुण है वो उन्हें सिखाए। और आज आप देख सकते हैं ज्यादातर महिलाएं साड़ी में आई हैं, ये हमारा नेशनल ड्रेस है, इसमें सब खूबसूरत लगती है, कोई आपको जीत नहीं दिखती नहीं। आप देखें जब आदमी मैच्योर होता है तो आदमी साड़ी में पहनना चाहता है। बच्चे को क्यों चाहते हैं फटे फटे जींस पे घूमे, वो क्यों चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास नर्सरी में जितना उनका ड्रेस का साइज था 12 आते हैं तो वही साइज रह जाता है। फिर आप चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं कि आपके बच्चियों को हम लड़के देखे हैं और खेले, और फिर आप परेशान होते हैं जब उनके साथ कुछ गलत होता है। ये जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी कि मॉडर्नाइजेशन को भी समझे और बच्चों को बताएं क्या सही है क्या गलत है। दुनिया भर में उन्हीं महिलाओं को सम्मान मिला है जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने अपने फील्ड में ख्याति प्राप्त की। कोई भी अपने ड्रेस के कारण किसी को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, किसी को जलने डरने के कारण वहां की जितनी महिलाएं बैठी उनको सम्मान मिला है, जहां जितनी महिलाएं बैठी उनको सम्मान मिला है, ऐसी एक भी महिला नहीं है जिनको खूबसूरती के कारण, जलने डरने के कारण, ड्रेसिंग सेंस के कारण कोई अपन मिला है। आप देख लें आदमी का सम्मान में आंख उन्हीं के नीचे झुकता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ कमाया होता है और वो कमाते आदमी अपनी मेहनत से है। यदि आपने फादर ग्रैंड फादर की प्रसिद्धि से कुछ कमाया होता है उसे कोई सम्मान नहीं देता होता। इवन हम ऑफिस में भी जाते हैं तो लोग यही बात करते हैं उसके फादर थे, नाम लेते हैं उनके फादर थे, वो इतने बड़े कॉर्पोरेट थे, उन्होंने 400 करोड़ की कंपनी बनाई, कोई उसका नाम नहीं लेता। और हर बच्चे को आप ऐसा बनाए कि आप उसके नाम से जाने जाए, वो आपके नाम से कभी न जाना। और जितने प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने इतनी ऊपर एक चोटी पकड़ ली है पहाड़ की, आपके बच्चे को उस चोटी को पार करना हमेशा मुश्किल रहेगा। आपको उस तरह से उसे तैयार करना पड़ेगा कि आप मरते वक्त उसको ऊपर ऐसे करके देख पाओ, नहीं तो ज्यादातर लोग ऐसे देख पाते। और सबसे खराब समय तब होता है जब आपका बच्चा आपके पैसे के कारण, गलत हरकतों के कारण, गलत चीज में पकड़ा जाए, कोई बलात्कार करते हुए पकड़ा जाए, कोई मर्डर करते हुए पकड़ा जाए, कोई गांजा पीते हुए पकड़ा जाए। उन पेरेंट्स के यहाँ देखो तो जो फोन लगाते हैं, सर मेरा बेटा इसमें फंस गया है, जरा आप देख लीजिए। उस पेरेंट्स पे क्या बीतती है कि एक बार आप ये सोच लेंगे तो आपके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों को ऐसा बनाए कि जब भी फोन आए आपका, फक्र हो आपको, वो बालक हो या बालिका, नाम करेंगे तो पेरेंट्स का ही नाम होगा, बदनाम होगा तो पेरेंट्स ही बदनाम होंगे। उनको बराबरी की
खुश ना हो कि हमारे बालक से आगे निकल गया। तो ये जो बालक और बालिका में जो अंतर है उसको सम्मान करे, भगवान का बनाया हुआ अंतर है। अपनी बच्ची को ऐसा बड़ा बनाए कि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा करे और ये फैमिली लाइफ में भी अच्छा करे। क्योंकि अच्छी महिला वही है जो खुद भी पीक पे पहुंचे और अपने बच्चों को भी इस तरह के संस्कार दे कि वो समाज में कुछ अच्छा कर पाए। और जिस दिन हर परिवार अपने अपने बच्चों को सही वैल्यू दे पाएगा, ये समाज के लिए सबसे बड़ा